ये वर्लपूल का फ्रिज है और वर्लपूल का है डबल डोर का फ्रिज है। और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये कंप्रेसर वारंटी 10 साल है, और 10 साल कंप्रेसर वारंटी है, और जिसमें फ्रिज इसमें क्या है कि 3 स्टार मॉडल है, तो नीचे वाला पार्ट तो काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ना के बराबर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, नीचे ठंडा ही नहीं कर रहा, पूरा बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर रहा है, जो भी सब्जियां वगैरह है वो भी खराब हो रही है, नीचे पानी आ रहा है। तो ये हमने चेक करा है, सो पानी आ रहा है, तो ये भी आज हम चेक करेंगे, सो प्रॉब्लम किस वजह से ये प्रॉब्लम आती है, तो ये भी हम आपको दिखाएंगे, अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या वजह हो सकती है। तो ये बने रहे वीडियो में, वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत ही खास होने वाला। तो सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट खोलते हैं, ऊपर वाले में ठंडक है, पूरे में ठंडक है, कोई ठंडक में कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्रिज में धुआं नहीं उठ रहा है, तो ये आज हम चेक करेंगे इसमें क्या दिक्कत है। सबसे पहले एक एक चीज खोल लेते हैं, पहले साइड बाय साइड फुट कवर है ये, इसको हम खोलते हैं। जो कंपनी ने आइस ट्रे दे रखी है वो साइड बाय साइड लगाने के लिए, तो आज हम तो हमने ये पंखा खोल लिया है, तो पंखा खोल लिया, पंखा तो फ्री घूम रहा है, और फ्रिज में पूरे फ्रिज में पाइप में कॉइल में बर्फ भी आ रही है, तो ये भी चेक कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रिज के एक एक पार्ट को हम खोल कर बाहर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक पार्ट को खोल के बाहर करेंगे, उसके बाद हम इसको पहले क्या करेंगे, यहाँ बिल्कुल क्लीन है, इसमें बर्फ वगैरह कुछ भी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले हम क्या करें, पूरे में ऊपर पानी का मोसर आ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हीटर चेक करेंगे। तो हमारा हीटर तो ठीक है, हीटर फर्स्ट क्लास वर्क कर रहा है, हीटर में कोई कमी नहीं है। तो इसका सेंसर भी चेक करेंगे, तो सेंसर भी फ्यूज भी ठीक है और हीटर भी ठीक है। इसका फ्यूज भी, इसका सेंसर भी ठीक है। तो सेंसर के बाद अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रिज को क्लीन कर लेते हैं, तो क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्लीन करने के बाद हम आपको चेक कराएंगे, हमको बताएंगे इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो नीचे वाला पार्ट काम नहीं कर रहा था। इसमें क्या था, इसका फैन मोटर ख़राब था, ये फैन मोटर जर्मन की है, जो ख़राब हुई है, ये है इसका फैन मोटर, तो हम लेके आए थे चेक करने के लिए। तो इसमें हमने अभी एक नया फैन लेके आए हैं, तो ये इसका फैन मोटर खराब था, जिसके वजह से नीचे वाला पार्ट काम नहीं कर रहा था, ऊपर वाला सिर्फ ठंडा ही कर रहा था। तो इसको चेंज करने के बाद हम चेक कराएंगे आपकी फ्रिज में कूलिंग कैसे हो रही है। कभी भी अगर नीचे वाला पार्ट काम नहीं करता है, ऊपर वाला भी नहीं करेगा प्रॉपर, तो फैन मोटर की प्रॉब्लम आती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फैन मोटर की आती है। तो हमने लगा दिया है, फिर बढ़िया तरीके से टाइट कर दिया है और अच्छी तरीके से, तो अब नीचे वाला भी पार्ट कूलिंग करने लगा है, कम से कम 10 मिनट चला के चेक करा तो टेम्परेचर डाउन हो गया है, नीचे वाला भी ठंडा कर रहा है और साथ में ऊपर वाला ठंडा कर रहा है। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को सपोर्ट करें। बढ़िया तरीके से कूलिंग होने लगी, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में।